नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि हमारे ही सब्सक्राइबर ने एक मैसेज करके पूछा था कि वीवो Z1 Pro के अंदर जो ये अपने आइकन होते हैं, इसको हम अलग अलग स्टाइल में किस तरीके से मूव करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करनी है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको करना क्या है कि हमारी जो स्क्रीन है उसको हमको लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि दबा के रखना है। इसके बाद हमको यहाँ पे बहुत सारे आइकन देखने को मिलेंगे, यानी कि हम इनमें से किसी को भी यहाँ पे अगर हम म्यूजिक प्लेयर अगर अपना स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हमको साइड में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा डायनेमिक स्लाइडिंग इफेक्ट्स, तो हमको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम रोटेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से मूव होंगे। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आप अपना मनपसंद कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।